हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और अलग तरह से डिजाइन सिखाने वाली हूँ। छोटी छोटी बुनाई में डिजाइन आता है और सिर्फ दो रो में हम ये डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, मैं नजदीक से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्रिटी बन रहा है डिजाइन। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं इस डिजाइन की ओर। इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं इवन नंबर में फंदे, जैसे 2, 4, 6, इस तरह से आपने फंदे रखने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर डाले हैं 12 स्टिचेस, 12 फंदे मैंने यहां पर डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको पहली रो सीधी तरफ से, रो वन राइट साइड से, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा सीधा उतारा, एक फंदा सीधा बना लिया। अब देखिए आगे वाला जो फंदा है उसमें देखिए, ये जो नीचे आपको होल दिख रहा है, फंदे के ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, फंदे के नीचे जो होल दिख रहा है वहां से हम सिलाई को डालेंगे यूं, और यहां से एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब जो ऊपर वाला फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे, इस फंदे को स्लिप कर दिया, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। और देखिए ये एक एज स्टिच छोड़कर यही तीन फंदे हम रिपीट करेंगे पूरी रो में। तो फिर से देख लीजिए, ये जो एक फंदा है इसके नीचे आपको होल दिख रहा है, वहां से आपने सिलाई को डालना है और वहां से एक फंदा निकालेंगे, फिर ऊपर वाले फंदे को स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। पूरी रो हमने देखिए यही दो फंदे रिपीट करने हैं। फंदे के नीचे में से बनाएंगे, फिर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे। ये पूरी रो हमने देखिए इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। यही दो फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। तो लास्ट में देखिए हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब रो टू पर आ जाइए, रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से। तो अब इस रो को भी ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए पहला जो फंदा है इसको हम स्लिप कर लेंगे, इसको हम उल्टा स्लिप कर लेंगे, फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब एक फंदा देखिए, जो ऐसे ही एक फंदा हमने सीधा बनाया था उसको हम यहां पर भी सीधा बनाएंगे, मतलब एक फंदा हमने सीधा बना लिया। अब देखिए जो दो फंदे हमारे एक में से बन रहे हैं, जो लूप में से बना रहे हैं नीचे, और एक हम ऊपर जो हमारा एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, ये दो फंदे हैं। तो इन दोनों को हम दो का एक करेंगे, लेकिन ये हम पीछे की तरफ से ही करेंगे, सीधा इनको बनाएंगे। फिर देखिए यही दो फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे और आगे वाले दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा बनाना है, फिर दो का एक करना है। और देखिए जो पिछली रो में हमारा फंदा बढ़ जाते हैं वो इस रो में हमारे फिर पूरे हो जाते हैं। तो पूरी रो देखिए आपने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेनी है। ये लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको हम धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। तो अब आ जाइए रो थ्री पर, राइट साइड से तीसरी रो सीधी तरफ से। देखिए इसमें भी पहली रो ही हम रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है। तो क्या है, पहले देखिए एक फंदा सीधा बना लिया। अब हम इसमें जो नीचे पहली रो में हम यहां से इसको बना रहे थे, लेकिन अब की बार हम इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे, फिर इसके बाद यहां से रो वन रिपीट करेंगे। तो क्या किया था देख लीजिए, अब यहां पर होल बन जाता है। ये जब हम हमने डिजाइन बनाया होता है तो इसके इस फंदे के नीचे होल बन जाता है। तो वहां से देखिए सिलाई को डालेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे वाला फंदा सीधा बना लेंगे। फिर से देख लीजिए, अब पूरा डिजाइन आपको बनाना इजी हो जाएगा। जहां पर आपको होल दिख रहा है बड़ा, उसको आपने वहां से फंदा बनाना है और ऊपर वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, और जो हमने देखिए दो काय किया था पिछली रो में वो हमने ऐसे ही सीधा बनाना है। तो पूरी रो आपने देखिए ये भी इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। इसको स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर से देखिए नीचे में से बनाया, फिर स्लिप किया, फिर से इसको सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। लास्ट में देखिए एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब रो फोर पर आ जाइए। तो रो फोर में पहले फंदे को तो उल्टा ही स्लिप कर लेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे। अब इस बार देखिए दो का, यहां पर दो फंदे हैं ये पीछे, जो हमने एक नीचे में से बनाया था और एक स्लिप किया था, वो इन दोनों को हमने एक बना लेना है। पहले दो का एक कर लिया, फिर एक फंदा सीधा। तो ये एक फंदा छोड़कर यही दो फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। पहले दो का एक करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है।
इसी तरह से ही आपने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में देखिए दो फंदे बचेंगे, एक हमारा सीधा पड़ेगा और लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए चार रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन यहां पर ओवर हो जाता है। अभी आपको डिजाइन नहीं दिखेगा, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, यही चार रो आप बनाते जाओगे तो डिजाइन आपका ये इतना प्रिटी बनता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत बनता है डिजाइन। अगर आप इसको थोड़ी सी मोटी वूल में बनाओगे, थिक वूल में बनाओगे, तो उसमें और भी खिलके डिजाइन आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट बहुत ही प्रिटी बनता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको बना सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और निटिंग ट्यूटोरियल के साथ।